हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, दिस इज मिलन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मलंग मिलन। हर संडे का एक कहानी हो गया है, एम्बियंस मॉल पे आके खड़ा होना पड़ता है। बाकी आज बहुत रश है, धीरे धीरे दिखाऊंगा। अभी और भी बहुत सारे राइडर्स आना बाकी है। एक्चुअली आज हमारे यहाँ पे 30-35 राइडर्स आएंगे और हम फाइनली आज जा रहे हैं लेपर ट्रेल। ब्लॉग तो वैसे कम ही शूट होगा, थोड़ा सा आज राइड का मजा लेंगे और शायद लेपर ट्रेल में हम अपलोड भी करें। 6 बजने जा रहा है, 6 बजे का ही हमारा फ्लैग ऑफ है। बट टाइम पे कभी भी हमारा फ्लैग ऑफ होता नहीं है ये, क्योंकि सारे राइडर्स एक टाइम पे आते नहीं है। ये हमारे सबसे पंक्चुअल राइडर है, एकदम टाइम पे, टाइम से पहले नहीं, वो भी अच्छी बात नहीं है फिर। ये थोड़ी ना कि रात को आके बैठ जाओ यहाँ पे, चलता रहता है। दोस्तों सिर्फ एक चीज ध्यान रखना यार, अननेसेसरी स्टंट कोई मत करना, राइट लेके चलना ताकि आपको कवर अप करने के लिए टाइम मिल जाए, बस इतना ही है। आप चलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी ब्रीफिंग वगैरह हो गया है, बस यहाँ से 2-4 मिनट में निकल जाएंगे। अरे मिलन, तुझे तो हमने सोचा फोटो लेने के लिए, आईफोन के छोड़ कर फोटो नहीं लेता। आईफोन ही है, बस मैं खड़ा हो जाऊंगा। आज हम साइबर सिटी होके नहीं जा रहे हैं, आज हम सीधा जाएंगे, सीधा शायद इफ्को राजीव, उसके बाद आगे से फिर लेफ्ट टर्न करेंगे। कम से कम 30 राइडर्स आज संडे राइड पे आए हैं। नॉर्मली हमारा संडे राइड 15-20 में निपट जाता है, बट आज 30 राइडर्स के करीब आया है। ले मेन हाईवे पे जाम लगा हुआ है, मजे करो मजे करो। अभी हम इफ्को चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक पार करके आ गए हैं। ये रूट से मैं आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं अंदर से ही जाता हूँ, बट चलो हर रूट पता होना चाहिए। भाई यहाँ पे एक्सीडेंट तो ज़बरदस्त हुआ है, माय गॉड, पूरा दब गया भाई, पूरा दब गया। तेरा नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा। ओह, डुकाती डुकाती, बेइज्जत नहीं करने का। 1 मिलियन पार हो जाना है। हाँ, फिर सब ये सारे रिकॉर्डेड है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ भाई, इसको भी कर देना, ये डुकाती है, हमारा नया डुकाती। A few moments later, ये इसमें तो नंगा है पूरा ये। भाई फाइनली मैं प्रो राइडर को दे दिया हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं इसका जिक्सर चला रहा हूँ 150। मुझे एक्चुअली जिक्सर का एक्सपीरियंस करना था, बोलते हैं जिक्सर बहुत स्मूथ गाड़ी है। एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, बट चल जाएगा काम मेरे ख्याल से। ओ बेटा, ये इसका हैंडल यार बहुत नीचे है, बहुत ही नीचे है हैंडल तो इसका। हाँ, टोल से लेफ्ट हो रहे हैं अभी, जहाँ पे ऊपर शिव मूर्ति है, शिव मंदिर है, बस ठीक है वहीं पे रुक, हम आ रहे हैं, बस आ गए। मजा आ रहा है, मजा। साला मेरा गाड़ी क्या लग रहा है यार, बोले मेरा गाड़ी क्या लग रहा है, मैं किसी को चलाते हुए देखा ही नहीं आज तक। टोल जस्ट पार करने के बाद ही जो पहला लेफ्ट कट आएगा, उसी से लेफ्ट को सीधा इस ढाबे पे हम टच करेंगे। ढाबे से बस लेफ्ट साइड को ही, ढाबे से लेफ्ट होके ही रास्ता है सीधे के लिए, और नहीं तो मैं उधर से आता हूँ। ये ज़्यादा बेटर रोड है, क्योंकि अंदर से तो बहुत खचर मचर करके आना पड़ता है यार, घूम फिर के। क्या बात है, यहाँ पे क्या मस्त पानी चल रहा है यार। भाई खेती तो है नहीं यहाँ पे, पानी किस बात का चल रहा है। पता नहीं भैया,
पूरा मोटर वगैरह तामझाम लगा के रखा है। चल चल, किसी को पोटी करना है तो कर ले भाई, यहाँ पे पानी बड़ा प्रेशर आ रहा है, डायरेक्ट साला धो देगा सब। यही लेपरटल का पहला कट है और इसके बाद थोड़ा सा थ्रिल स्टार्ट होता है, मतलब थोड़ा सा कर्वी रोड है एक्चुअली यहाँ पे, तो लीन करने का मज़ा आता है थोड़ा सा, बट इस पे तो मैं कदे ही ना लीन करूँ क्योंकि मुझे अभी तो कोई ट्रस्ट नहीं बन रहा है इसमें, और इसका ब्रेक का भी मुझे ज़्यादा आइडिया अभी लग नहीं रहा है। पहले मैं कई बार आ चुका हूँ एक्चुअली, बट हाँ वीडियो हर बार नहीं बनाता हूँ। पहले का एक मेरा लेपर ट्रेल का वीडियो है जब मैं सोलो आया था, उसके बाद ग्रुप में शायद कोई भी वीडियो नहीं है मेरा। अगर ऊँट का सवारी भी हो रहा है, बढ़िया है, ये नया चीज़ देखा आज। ये इसका ऑफ रोड ट्रेल जा रहा है राइट साइड को, थोड़ा सा बारिश का मौसम यहाँ पे चल रहा है तो ग्रीनरी अच्छा आ गया यहाँ पे, माउंटेन सारे ग्रीन हो गए हैं पूरा, तो अच्छा लग रहा है अभी। और थोड़ा सा 15-20 दिन बाद जब थोड़ा सा अच्छा बारिश चालू होगा तब एक बार आना पड़ेगा, तब और मज़ेदार यहाँ पे सीनरी होगा। कल मैं जब वहाँ पे वाटर पार्क में गया था तो मेरा सनग्लास छूट गया था वहाँ पे, पता नहीं सर के ऊपर वो पानी का जो पूरा टब गिरता है वो गिरा था, मेरा चश्मा निकल गया था। बाकी हम कैफे टोड़ा में पहुँच गए, अच्छा जगह है ये, बाकी सारे बाइक हमारा इधर और कुछ उधर लगे हुए हैं, हमारा ही बाइक लगे हुए हैं। अभी खाना वाना बोले हैं, खाना नहीं अभी चाय कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बोले हैं, तो बस वो आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चाय का चुस्की चल रहा है, बाकी कुछ लोग ये क्या पी रहे, कोल्ड कॉफी क्या पी रहे, क्या होता है साला, रायता जैसा लग रहा है वो, पता है ब्राउन रायता ऊपर से वो, उसका मैं देख रहा था उसका रायता जैसा लग रहा था पूरा, रायता लगेगा। बाकी सब अपना अपना मतलब दूसरे का बाइक चला के सब ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे, मैं भी चाय पी लेता हूँ, उसके बाद एक आधा रील बनाऊंगा दूसरे के बाइक में, अपने में नहीं। ओके पार्टी नहीं रहूं कुछ भी, अरे बहाना पड़ेगा क्या, 100 से चैनल खोला भाई, ये चाड़ देगा यार लेंस, खाना तो खा लो, मैं सारा नहीं खाऊंगा लगता, मैंने झेल रखी कंट्री बिना खाया। तो अभी हम यहां पे क्या का मंगवाए, ब्राउन सैंडविच, आलू पराठे, दही, ऑमलेट, कोल्ड ड्रिंक, पानी और पूरा रायता फैल रहा है यहाँ पे। बस काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली, 10 बज गया अभी, तो काफ़ी गर्मी भी हो रहा है अभी, तो यहाँ से निकलते हैं, खाना वाना सब कुछ हो गया है। हम अभी 6-7 बंदे अभी तक बैठे हुए थे, बाकी सब निकल गए यहाँ से, बस हम भी निकल रहे हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इसका कुछ नहीं है, बहुत गर्मी है, सूट नहीं करूँगा, गोपुर वगैरह सब अंदर रख लूँगा। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन स्टे सेफ, राइड हार्ड एंड कीप ड्रीमिंग। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby.